दोस्तों अगर आप घर बैठे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या फिर मेडिकल इमरजेंसी आ पड़ी तो ऐसे कंडीशन में आप इस एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं एक डिफरेंट लोन एप्लीकेशन के बारे में जिसके मदद से आप घर बैठे इंस्टेंट लोन ले सकते हैं एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऐप के मदद से जो कि एक RBI रजिस्टर्ड NBFC के तहत ही आपको लोन प्रोवाइड कराई जाती है। कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरह से वर्क करती है, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। लेकिन आपको दोस्तों जानकारी के लिए बता दें, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, टर्म्स कंडीशन समझिए, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, लोन अप्लाई करने वक्त ओवरऑल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अपने हिसाब से सोच समझ के लोन अप्लाई करिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऐप के बारे में जिसके मदद से घर बैठे पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के बारे में। आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का लोन देने की दावा करती है, 3,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पर दोस्तों बात करें तो 35% यहाँ पर सालाना चार्ज करने वाली है, वो भी पूरे भारत में। भारत में कहीं से भी हो घर बैठे ऑनलाइन लोन ले सकते हैं कभी भी। याद रखिएगा, अगर आप इस एप्लीकेशन द्वारा लोन अप्लाई कर रहे हैं तो भारत का नागरिक होना इम्पोर्टेंट है, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। 24/7 आप कभी भी एप्लीकेशन द्वारा लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होने चाहिए। सिविल स्कोर की यहाँ पर दोस्तों बात करें तो 700 से ऊपर आपकी सिविल स्कोर होनी चाहिए। तो इस तरह से एप्लीकेशन ये दोस्तों लोन सर्व करने वाली है। आपकी डॉक्यूमेंट जो कि आधार, पैन और आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, इनकम का सोर्स होना चाहिए। अगर इस चीज को फुलफिल करते हैं तो आप इस एप्लीकेशन के मदद से घर बैठे लोन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों बात कर रहा था क्रेडिट वन एप्लीकेशन के बारे में, और इस एप्लीकेशन के जरिए से लोन्स भी लिए गए हैं। इस एप्लीकेशन को सिंपल यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों ये है क्रेडिट वन का मेन डैशबोर्ड, और मैंने आपको जैसा कि बताया कि एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से ही लोन फंडिंग करने वाली एप्लीकेशन है। एलिजिबल क्रेडिट लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3,000 रुपए है, 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम 15 दिनों का समय दिया जाता है लोन भुगतान करने के लिए। अगर वाकई में आपको 1,000 रुपए से लेकर 5,000-4,000 रुपए के लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप इस एप्लीकेशन की तरफ दोस्तों जा सकते हैं। शुरुआती दौर में आपको 1,000 रुपए से स्टार्टअप करती है लोन देना। मान के चलिए अगर मुझे यहाँ पर 3,000 रुपए लोन मिले हैं 15 दिनों के लिए, तो ऐसे में हमारे बैंक खाते में जो भी लोन अमाउंट डिसबर्समेंट होंगे 2,221 रुपए होंगे। प्लेटफॉर्म फी यहाँ पर 420 रुपए लिए जा रहे हैं। रीअसाइनमेंट फी 240 रुपए, GST अमाउंट 119 रुपए। टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं 45 रुपए लिए जा रहे हैं, जो कि पर मंथ के यहाँ पर बात करें 2.92% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज की जा रही है। लोन को रिपेमेंट करना होगा 3,045 रुपए। दोस्तों ये बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन द्वारा मैं आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, बैंक खाते में लेकर भी दिखाऊंगा। काफी लोगों को प्रॉब्लम ये आती है, भाई एप्लीकेशन के रिव्यू जब करते तो लोन लेकर भी दिखाया करो। तो आज की वीडियो में हम आपके सामने यहाँ पर लाइव लोन लेकर दिखाने वाले हैं। हालांकि मुझे लोन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कभी कभी आपके बिहाफ पे भी हमें काम करना पड़ता है, लोन लेकर दिखानी पड़ती है। अब लोगों को ऐसे में विश्वास ही नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, चलिए मैं आपके लिए यहाँ पर लोन भी लेकर दिखने वाले हैं। मान चलिए अगर यहाँ पर हम 2,000 रुपए के लिए अप्लाई करते हैं तो 1,480 रुपए हमारे बैंक खाते में क्रेडिट होंगे, और नीचे में देख सकते हैं टोटल लोन का रिपेमेंट करना होगा तो भाई यहाँ पर 2,030 रुपए करने होंगे। प्लेटफॉर्म फी 280 रुपए लिए जा रहे हैं, रीअसाइनमेंट फी 160 रुपए लिए जा रहे हैं, GST अमाउंट 80 रुपए, टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं पर मंथ के हिसाब से 30 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर लोन अमाउंट चूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसे में आपको 1,000 रुपए से स्टार्टअप करती है, ठीक है। अगर ऑन टाइम पेमेंट करते हैं तो आपकी सिविल भी इंप्रूवमेंट होगी और साथ साथ आपकी लिमिट्स भी इंप्रूवमेंट होते चली जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये एप्लीकेशन जो है सिविल फायर भी करती है, ऑन टाइम पेमेंट करने की भी कोशिश करिएगा। तो ये दोस्तों आधार पैन के बेस पे ही लोन सर्व करने वाली एप्लीकेशन है। आप ऐसा वैसा एप्लीकेशन बिल्कुल ना समझे, आपकी सिविल भी फायर करी जाती है। तो चलिए हम यहाँ पर लोन लेकर भी देखने वाले हैं, नीचे से प्रोसीड करेंगे लोन लेने के लिए। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 फरवरी को यहाँ पर सबमिट किया गया है और अप्रूवल तुरंत मिल चुके हैं। अब ऐसे में हमें यहाँ पर लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा, वो भी OTP के बेस पे। लोन एग्रीमेंट साइन करने के लिए इस साइन एग्रीमेंट नाउ के ऊपर हमें सिंपल क्लिक कर देना होगा। दोस्तों एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से लोन फंडिंग करने वाली एप्लीकेशन है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर 6 डिजिट का OTP पासवर्ड गया होगा, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं OTP कोड फिलअप करेंगे। दोस्तों इस एप्लीकेशन की खास बात यह भी है कि आपको यहाँ पर सेक्शन लेटर और लोन एग्रीमेंट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, आप इसे चाहते हैं तो रीड भी कर सकते हैं।
सब कुछ समझने के बाद इस बॉक्स को चेकआउट करेंगे और ओटीपी कोड फिलअप करेंगे और नीचे से आपको वेरीफाई कर लेना है सिक्योरिटी कोड को। दोस्तों ऐसे में स्क्रीन के सामने देख सकते हैं डिस्पर्सल इन प्रोग्रेस, तो फिलहाल हमें यहाँ पर वेट करनी होगी, हमारे बैंक खाते में डिस्पर्स होने वाले हैं। आपके सामने सारे चीजें डिटेल दोस्तों यहाँ पर लाइव हो रहे हैं। लो जी फाइनली वहाँ पर ऊपर में नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जैसा कि देख सकते हैं 1480 रुपए। आनंद प्रॉपर्टी फाइनेंस जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के जरिए से यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं, वो भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में। तो ये एप्लीकेशन आप सभी लोगों के लिए काम की हो सकती है, लगभग आपको 15 दिनों का समय मिल जाता है लोन भुगतान करने के लिए। अगर वाकई में आपको इमरजेंसी पड़ती है तो ही आप इस एप्लीकेशन की तरफ दोस्तों जाइएगा। अब ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं 1 मार्च को हमें लोन को रिपेमेंट करना होगा 2030 रुपए, जो कि 15 दिनों के लिए लिया गया है। तो आपके सामने सारे चीज डिटेल आपको लाइव मैंने यहाँ पर अप्लाई करके दिखा दिया। तो दोस्तों अगर वाकई में अगर आधार पैन के बेस पे लोन लेना चाहते हैं, आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, आधार पैन के बेस पे लोन लेना चाहते हो, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए काम की हो सकती है। इमरजेंसी में आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे भारत में दोस्तों लोन सर्व करती है, किसी तरह का कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, 100% पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही लोन सर्व करती है। अगर आप इस एप्लीकेशन द्वारा लोन अप्लाई करना चाहते हैं, लाइव स्टेप प्रोसेस देखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दोस्तों बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पार्ट एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन के अलावा भी और भी ऐसे एप्लीकेशन है जो आधार पैन के बेस पे आप मैक्सिमम लोन के साथ साथ मैक्सिमम लोन टर्म की सुविधा भी आपको देखने को मिल सकते हैं, वो भी आप ईएमआई में ही लोन का भुगतान कर सकते हैं। आधार पैन के साथ लोन लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए, वो भी लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ लोन लेकर दिखाया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए।